यूट्यूब चैनल आईसीस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, भगवान की कृपा से हम भी बहुत अच्छे हैं। राधे राधे हरे कृष्णा। तो मैंने 9 दिन का फास्ट रखा था और मेरा 2-3 दिन बहुत काफ़ी दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा है। तो आज नवरात्र का आखिरी दिन है, नवमी है आज। तो आज कंजक खिलाई जाती है, मतलब कन्याओं को भोग लगाया जाता है। तो अब कन्याएं का इंतज़ार कर रहे हैं, पहले हम नहा लेते हैं क्योंकि अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। तो मैं जस्ट नहा के आपसे लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? तो लेली मैं नहा लेती हूँ क्योंकि बहुत लेट टाइम हो रहा है और मम्मी मुझे बहुत चिल्लाएगी। तो हम नहा लेते हैं, ठीक है? बाय। और यहाँ पे मम्मी पापा हवन कर रहे थे, कन्याएं आ चुकी थी क्योंकि मैं सब कन्याओं को ले आई थी तुरंत नहाने के बाद। और नहाने के बाद अपनी ड्रेस नहीं दिखा पाई क्योंकि सब कन्या आ गई थी और उसको खिलाना पिलाना था। तो ये देखिए सब बैठी हुई हैं और पूजा खत्म हो चुकी है और चल रहा है, तो उसकी आग जल रही है जो हम आपको दिखा दिए हैं। और यहाँ पे मम्मी कर रही हैं कुछ खाने की तैयारी क्योंकि पापा ऑफिस जाना है पापा को, तो खाने की तैयारी चल रही है। और हम अपने अपने कान्हा जी को और राधा रानी को दिखा देते हैं आपको, काफ़ी दिनों से आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो आज हम दिखा देते हैं। ओके, देखो मेरी माता रानी बैठी हुई है, मेरे कान्हा जी बैठे हैं, राधा रानी बैठी हुई हैं और ये मेरा लड्डू बैठा हुआ है। और कितना सुंदर मंदिर लग रहा है। और ये देखो यहाँ पे राधा ही लिखा हुआ है, श्री राधे। ये मोर के पंख लगे हुए हैं। फिर अचानक से प्लान बनता है कि हमें नानी के घर जाना है। फिर हम लोग घर जैसे ही पहुँचते फिर मामी बोलते हैं कि मातन तरे जाना है, वहाँ पे मंदिर पे जो भी प्रसाद वसाद चढ़ता है तो हम लोग वो चढ़ाने जाते हैं। तो यहाँ पे प्रिया को दीदी को देख सकते हैं, वो सब कुछ कर रही है पूजा। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ी सी क्लिप दिखा दे प्रिया दीदी की, जो प्रिया दीदी कर रही थी। और हमारे साथ गए थे बाबू और खुशी, जो हम लोग बातें वातें कर रहे थे इनके साथ। उसके बाद दीदी का काम होने ही वाला था, उसके बाद हम लोग घर जाने वाले थे और बहुत मजा आया हम लोगों यहाँ पे। और फिर घर आ चुकी हूँ और मैंने आलू काट चुके हैं और मेरे थोड़ा चक्कर गया ना क्योंकि मैंने आराम नहीं किया, क्योंकि मैं आज जल्दी उठ गई थी। तो जल्दी उठने की वजह से तो अभी जस्ट आए हैं। तो मैंने पूजा मम्मी ने कर दी थी, चाय बना दी मैंने, उसके बाद आलू मैंने काट दिए थे, काटे गए थे, छील दिए थे। और टमाटर वमाटर काट दिया, बाकी छौंक मम्मी रही हैं क्योंकि पता नहीं क्यों छौंक रही, मुझे नहीं पता। और धनिया काट रही हूँ मम्मी और मैं जा रही हूँ थोड़े बहुत बर्तन धो देती हूँ और क्या ही करेंगे। और जा रहे हैं थोड़ा फ़ोन चार्ज कर ले, बैटरी नहीं है मेरे फ़ोन में। और आप लोग पूछोगे दीदी कहाँ है, तो मेरी दीदी नानी के घर पे हैं और जो आपको दिखाया था मैंने वो वहाँ पर पूजा कर रही थी क्योंकि हम पटना में गए थे और अब अपने घर आ चुके हैं। और अब मुझे प्यास भी लगी है और थोड़ी थकान हो रही है, पहले अपना फ़ोन चार्ज कर ली क्योंकि मेरा फ़ोन नहीं चार्ज होगा तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, फ़ोन चार्ज कर लेते हैं। मेरी राधा रानी और लड्डू सो चुके हैं अपने बेड पे, मच्छरदानी उनकी लग चुकी है, अब वो सो रहे हैं। और मैंने भी जस्ट खाना खा चुकी हूँ और अब क्या करने वाली हूँ, थोड़ी देर विश्राम करेंगे और फ़ोन चलाएंगे और सो जाएंगे। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलती है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे हरे कृष्णा।